हेलो बच्चो, सर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड गुड आफ्टरनून इवनिंग सर। सर। ओके गाइस, ओके ओके ओके, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। हमारे पास ओके एक्चुअली गाइज, आज भी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात सिखा देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना सिखा देता हूँ मैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी। बोर थ्योरी में क्या बोला गया था सर? बोर थ्योरी ने बोला कि ओनली दोज ऑर्बिटल आर परमिटेड टू रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन जिनका एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन टू पाई के मल्टीपल इंटीग्रल होता है ना सर, ये बोला। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था बच्चों? मैंने आपको क्या बताया था, पहले जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करिए और फिर बात करें। मैंने आपको बताया था बच्चों कि सपोज ये कोई एक न्यूक्लियस है और इसके इस तरीके से ऐसा थोड़ा सा बड़ा था और ये सर कोई ऑर्बिटल है, कोई सेल है, ठीक है ना। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सेल है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये बोलेंगे यहाँ पे सर, ये इलेक्ट्रॉन कुछ न कुछ अपनी वेलोसिटी से घूम रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ न कुछ अपनी वेलोसिटी से घूम रहा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो यस yes. वेलोसिटी होगी, इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी ना बच्चों, वो क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी सर, वो क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है। तो आइए जरा ध्यान से सोचिए। तो उन्होंने कहा कि भाई वेलोसिटी भी उसी इलेक्ट्रॉन का हम लोग काउंट कर पाएंगे, वेलोसिटी भी हम उसी इलेक्ट्रॉन का काउंट कर पाएंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम एनएच अपॉन टू पाई के मल्टीपल इंटीग्रल होगा। क्योंकि सर यही तो बात बच्चों बोहर ने बोली थी सर, ओनली वही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमेगा, ओनली वही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन टू पाई के मल्टीपल इंटीग्रल होगा। आए रे बच्चों, कुछ दिमाग में सबके सही से यस और नो प्लीज। यस सर। तो सर यहाँ पे वी की वैल्यू आप बाहर निकाल दो, एन एच अपॉन क्या हो जाएगा, टू पाई एम एंड आर, वेर आर इज इक्वल टू आर ऑफ एच या आर बात पी की है। दिस इज कॉल्ड सर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आर की वैल्यू क्या होती है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई m² z, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई m² z हो जाता है ना। सर यहाँ पे देखिए जरा, हम लोग इस वैल्यू को निकाल देते हैं। तो इस आर की वैल्यू यहाँ पुट करिए तो देखिए कितना आता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू 2 पाई m² r, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, 4 पाई m² z। इन दोनों से ये दोनों कट गए, इससे ये 2 से टाइम कैंसिल हो गया, इससे ये पाई टाइम कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं सर, ये बचेगा आपका 2 पाई m² z डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका। अच्छा, ये एम से एम भी कैंसिल हो रहा है, देख लीजिएगा आप भी ध्यान से देखिए, हो सकता है मेरी नजर ना पड़े। 2 पाई, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 2 पाई e² into z डिवाइडेड बाई h अपॉन n।
अब सर यहाँ पे जरा ध्यान से सोचिएगा बच्चों, सर यहाँ पे एक सोचने वाली बात क्या है कि मैंने आपको बताया कि सर ये कुछ ना कुछ वैल्यू तो है ना, ये कुछ ना कुछ वैल्यू तो है ना सर, ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसको तो हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो सर जब इसको आप लोग रखेंगे तो सर यहाँ पे ओवरऑल वेलोसिटी इज इक्वल टू ये वैल्यू आएगी, करीब करीब आ जाएगा 2.18 इंटू 10^6 इंटू जेड अपॉन एम मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई बात क्या, 2.18 इंटू 10^6 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू आ सकती है। तो सर एक काम करो बच्चों, ये पूरे के पूरे फॉर्मूले, एक तो ये अपनी कॉपी में रफ में अभी लिखो, एक ये वाला क्वेश्चन करना है इस पे। सर हो गया नोट। वेरी गुड। तो सर यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई थी, वेलोसिटी इज इक्वल टू मैंने लिखा 2πe² अपॉन h हो जाएगा इनटू z अपॉन n, और या हम दूसरी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इनटू 10^6 इनटू z अपॉन n मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब देखो एक बात बता देता हूं मैं, अब सपोज सर आपने एक बात कही थी, बात क्या कही थी रे बच्चों, मैंने कहा था कि सर ये कोई एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से कोई सर्कुलर पाथ है, और ये जो सर्कुलर पाथ होता है ना यही तो आपका ऑर्बिटल होता है ना। अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई, अब आपको बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकेंड में पर सेकेंड में कितने ही चक्कर मारेगा इस ऑर्बिटल के, एक सेकंड में कितने चक्कर मारेगा, उस बात का आप कैसे पता करेंगे। उस बात का पता करने के लिए हमारे पास एक टर्म होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एक सेकंड में बच्चों कितने नंबर ऑफ चक्कर जो है ये मार सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकंड में सर कितने नंबर ऑफ चक्कर मार सकता है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इज इक्वल टू ये होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस। ठीक है ना सर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय होता है सरकमफेरेंस ऑफ सेल। सेल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πr, है ना। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी लिख लो और इसको या 2πr लिख लो, या इसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं ये वाला फॉर्मूला रखो इसमें, तो 2πe² इंटू जेड डिवाइडेड बाई एन इंटू एच इंटू 2πr हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 2πr, इससे इसको कैंसिल करो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e² z डिवाइडेड बाई एन इंटू एच। ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। आर भी रह गया सर, आर कहाँ रहने, और चाहे तो एक काम कर ले भैया, क्या काम पसंद करेगा, आर की वैल्यू भी रख ले, कुछ ना कुछ गायब हो जाएगा। अरे बड़ा लफड़ा वाला काम मत करो, इसी में निपट जाएगा क्वेश्चन, इसी में निपट जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। चलो
नोट करो। मजा आ रहा है बेटा पढ़ने में? यस सर। हाँ सर, बहुत आ रहा है। सर बोलो। सर आर की न्यूमेरिकल वैल्यू 52.9 × 10⁻¹ समथिंग ऐसा ही कुछ। क्या बोले आप, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सर आर की वैल्यू क्या है, आप एक बार बोलो ना। आर की तो अलग अलग वैल्यू होती है यार। एक तो होता है 52.9 ×, ठीक है ना, जेड क्या होता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड एन स्क्वायर अपॉन से पिकोमीटर में होता है सर, 0.0529 × n² / z नैनोमीटर में होता है, 0.53 कुछ समथिंग कुछ ऐसा जो है एंगस्ट्रॉम में होता है। तो मैं क्या आपको बोलूं कि आर की यही फिक्स वैल्यू होगी? कोई मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं जो मैं आर को आपकी एक ही वैल्यू फिक्स बता पाऊंगा। आर की तो अलग अलग वैल्यू है। अब बताओ अपना ओपिनियन, क्या बोलती हो? ओके सर। और किसी को? और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो बच्चों। नो सर। चलो ये लिख लिया। आइए सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराइए, मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एक मिनट है, मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं। बेटा मैं पहले मैं बुक को शेयर कर रहा हूँ। ओके देखिए ये पेज क्या आप लोगों को दिख रहा है क्या? यस सबको दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। ओके बेटा एक क्वेश्चन और था यहाँ, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन। हाँ लेकिन मैंने एक बार देखा तो था लेकिन फिर दिखा नहीं मुझे।
वो क्वेश्चन एक बार जी एडवांस में आ गया, उसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। वो तो मैं भी नहीं समझ पाया अभी, क्वेश्चन गया कहाँ। एक मिनट बेटा वेट करो, है थोड़ा समय चेक कर, इतनी बड़ी बुक है ना इसलिए पता नहीं लग रहा है। क्वेश्चन को आप तो नहीं कर पाएंगे लेकिन मेरा काम है आपको पढ़ा बता देना। ऑप्शन के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था ना, मेन बात ये थी उस क्वेश्चन। रुको भैया रुको रुको रुको, एक मिनट है दूसरा बुक निकालो। वो एक्चुअली वो बढ़िया सा क्वेश्चन है वो ना, एक मिनट रुके रहो बच्चों हैं, इसमें मेडिकल एज वेल एज जेई दोनों टाइप के क्वेश्चन है। कौन सा जम करा है आपने लास्ट में? जूम करूं क्या इसको और? सर क्या बोल रहा है बेटा? सर आपने लास्ट में कौन सा जम कराया था? ये वाला देखो बच्चों, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो आईआईटी जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के सेकेंड बोर ऑर्बिट में एन की वैल्यू क्या बोलता है बच्चा? ऑनेस्टली बिना आंसर को देखे आप लोग इसका आंसर निकालो तो कितने लोग निकाल सकते हैं? कर सकते हो क्या? नहीं तो मैं करता हूं, टाइम बर्बाद मत करो, बोलो। ऋतु कर सकती हो?
सर इसमें फिर वेलोसिटी भी निकालनी है ना, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है यार। हाँ तो सर हाफ एम वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी भी तो निकालनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ करो तो सही कॉपी में। देवांशी पटेल कुछ नहीं करोगी क्या, करोगी क्या, करो फिर जल्दी। देव पारिक नहीं करेगा बेटा कुछ, ध्रुवांशी सर मैं तो कर रहा हूँ, कुछ नहीं करोगी क्या? सर मैं कर रही हूँ। करो तो जरा जल्दी से, जल्दी करो दोस्तों, जल्दी करो दोस्तों, जल्दी करो। काइनेटिक एनर्जी बढ़िया से इसको सॉल्व करो भैया। करो एक मिनट है आप लोग, मैं एक मिनट में आ रहा हूं। सर ऑप्शन सी सर नहीं यार, आप एक बार सॉल्व करो ना। ये आंसर सर
सर हाँ बेटा सर ऑप्शन सी है शायद तक सर। अरे वो तो नीचे भी लिखा हुआ है यार। सर आप सॉल्व करके दिखाओ ना। करवा कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो कोई एक दो बच्चे और तो करो। सर ऑप्शन सी आ गया आंसर। किसका आया भाई? सर वो बोहर मॉडल का, वो MBR इक्वल्स NH by 2 pi वाला यूज करना है इन फॉर्मूला। हाँ रोनित गोयल का आ गया क्या? वेरी गुड, शाबाश शेर, गुड। और वो वाला यूज किया फॉर्मूला। वेरी गुड शेर, वेरी गुड। और किसका आया भाई? आयुषी प्रजापति, नहीं आया आंसर क्या? नो सर। बहुत दुख की बात है। और किसका नहीं आया? सभी का नहीं आया आंसर तो। चलो भैया हम करके दिखाते हैं। सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv2। सर बी की वैल्यू निकालो। एम बी आर इज इक्वल टू क्या होता है? NH/2π। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NH/2πmr। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? N² × H² 4π² r² इसको रख के देखो रे, इसको इसमें रखो, आ रहा नहीं आ रहा आंसर? फिर बताओ। आ रहा है सर। सर वही आ रहा है, ये ऑप्शन सी आ रहा है। तो इतना भी नहीं कर पाए यार, बहुत दुख की बात है। करो सब लोग, अरे जिन जिन का बचा हुआ है करो फटाफट। है ना? तो क्या हो जाए? मतलब तो वो मास एम, एम को ऐसे ही रहने देना। N² × H² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 4π² इंटू क्या हो जाएगा? M² r² M² × R² अभी भी नहीं आया आंसर, अभी भी नहीं आएगा आंसर। हाँ सर अभी भी नहीं आएगा, अभी भी इसमें कुछ और बचा हुआ है, अभी भी नहीं आएगा। M की वैल्यू रख सकते हैं? नहीं नहीं रुको 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 सर, इस बी स्क्वायर में आर स्क्वायर की वैल्यू भी रखो पहले। इस बी स्क्वायर में आर स्क्वायर की वैल्यू भी रखो, फिर आएगा आंसर, समझ रहे? तो आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू क्या होता है? A₀ × N² / Z होता, नहीं होता? बोलो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा रे? A₀² × A₀ के टर्म में है ना बच्चा, (N⁴/Z²) अब आ जाएगा आंसर। बस इस बी स्क्वायर में वैल्यू रखो, N² × H² डिवाइडेड बाय 4π² m² × R² की जगह पे A₀² × N⁴/Z²। सर एन पूरा एन स्क्वायर से कैंसिल हो गया। सर और क्या बचा? और कुछ बचा है क्या? ना ना अब तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। चलो बच्चों करो इसको। सर आपने जेड स्क्वायर ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है? यहाँ लिखा हुआ है यार, ये तो एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर टाइम कैंसिल होगा ना। ये एन स्क्वायर है ना, ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर टाइम कैंसिल किया ये। तो यस सर, जेड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा।
एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू तो वन ही होगी. यस. फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर. तो देखो वन बाई, इसमें थोड़ा जगह नहीं है ना, इसलिए मैं क्या करूं, एच स्क्वायर जेड की जगह पे वन रख लो, मत लिखो इसको, डिवाइडेड बाई फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर. सर एम से ये वाला कैंसिल आउट कर दो. तो सर ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो एन इजिकल टू कितना है, टू है या नहीं है? एन की जगह पे फोर रखेंगे. ए कौन है, वन बाई टू इंटू पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू ए नॉट स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर कितना हुआ आपको, है ना? तो ये भी वन बाई, हाइड्रोजन एटम है तो वन नहीं आएगा. अरे क्या बोल रहा है, सेकंड बोर ऑर्बिट बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, एन की वैल्यू टू नहीं है. तो देखो करेक्ट इतना आ रहा है, करेक्ट इतना आ रहा है सर, मैंने एन की जगह वन लिख दिया. करेक्ट सी आ रहा आंसर, देख लो आप. यस सर, एन की वैल्यू टू रखे तो 32 आ जाएगा. सही कह रहा है ना? यस. और भी देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ. नहीं सर, सही है, सही है. बच्चों अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा सर, इसको ऐसे देख लो भाई, आराम से देख लीजिएगा. देख लो भैया, आराम से देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा. यस. ओके सर, इस पे आपने आर की वैल्यू रिप्लेस की है ना सर? हाँ हाँ, रखी हुई है ना. इसमें क्या है ना, थोड़ा सा वो वाला क्या सर, वो आर की वैल्यू जिससे रिप्लेस किए वो वाला फॉर्मूला एक बार रिपीट करो ना. देखो ना क्या है ना, तो सर एक्चुअली वो बोला ना सेकंड बोर ऑर्बिटल को आया है सर आपने, सेकंड बोर ऑर्बिटल n = 2 बोल रहा था ना वो, तो मैंने b स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा था, n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इनटू m स्क्वायर इनटू r स्क्वायर ऐसा किया था ना. तो r = क्या होता है, a नॉट इनटू n स्क्वायर अपॉन z होता है, समझ रही हो बच्चा? आर स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, ए नॉट स्क्वायर इंटू स्क्वायर हो जाएगा, ए नॉट का स्क्वायर जेड स्क्वायर. तो सर जेड इजिकल टू वन रख लो, तो अब आर स्क्वायर की वैल्यू इतना रखो, ए नॉट स्क्वायर इंटू एन टू दी पावर, बस बस. अब आपने क्या किया सर, वन अपॉन टू इंटू एम बी स्क्वायर. तो अब ये आर को यहाँ रखो ना, ये आर की जगह पे ये रहो, बी स्क्वायर में पहले ये चेंज करो, b square is equal to क्या होगा, n square into h square divided by 4 pi square into m square into a naught square into n to the power 4. होगा नहीं होगा? Yes sir. होगा सर, होगा. तो ये n square से cancel हो रहा है, बस बढ़िया. b square is equal to space नहीं है ना, तो दिक्कत तब आ रही. ये बचा हुआ है 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये वाला टर्म बचा हुआ है हमारे पास. बस अब इसको 1 अपॉन 2 एम बी स्क्वायर में रख दो और ऑप्शन नंबर सी आपके हाथों में आ जाएगा. ओके सर. सबको समझा रहे बच्चों? सर समझ गए? यस. ओके चलिए भैया, कुछ और करते हैं. ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था क्या मैंने? हाँ सर. सर B72 वाला शायद दिया था आपने. दिया था सर. हाँ सर दिया था, दिया. अरे किसी के घर से एक बच्चा रो रहा है, किसके घर से रो रहा हो?
बच्चा ये तेरे घर से रो रहा है क्या? रिदम सर शायद तक इसके घर से रिदम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे के साथ रखवाला रखा हुआ है क्या? सर दो दो रखे हैं तो भी रो रहा है, है? दो दो रखे तो भी रो रहा है सर। अच्छा उसको चुप कराने वाले दो दो लोग रखे हुए हैं क्या? हाँ सर। बंद रखा तो बच्चे के पास में काई को बैठा है फिर तू ऊपर बालकनी में? मैंने बेटा वो आ गया पास में। ओके ओके मैं तो अलग से रूम ही है सर। तो माइक बंद करके रख बेटा फिलहाल है, क्योंकि उससे और भी बच्चों का आवाज आता है। ठीक है तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्या मैंने आपको दिया था क्या? हाँ सर होमवर्क में दिया कर दिया होगा आप लोगों ने। Yes, किया या नहीं किया? Yes. सबने किया क्या? एक ही बच्चे ने किया क्या? ओनली हैंड्स रेज करिए, ऑनेस्टली रेज योर हैंड। यस और दो ही बच्चे हैं क्या? तुम लोग मेहनत नहीं करने वाले हो क्या? जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, हैंड्स रेज करिए अपने। अरे बस दो तीन बच्चों ने ही किया क्या यार? तो बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया? बच्चों तुम लोग घर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो क्या? कौन सी फॉर्मूला यूज होगी नहीं ये नहीं पता है। दिया सा, दुर्वांशी, देवांशी, देवपारी, हेट पटेल। सर ये हो नहीं रहा था। हो नहीं रहा था? आपने तो पूछा भी नहीं। और ऐसा कैसे हो सकता है हो नहीं रहा था? कोई चीज ऐसी है क्या जो दुनिया में नहीं होती है? गलत सही कुछ तो किया होगा। और अभी मैं इसको एक झटके में आपको समझा दूंगा कैसे कितना आसान था। अब ऐसा तो नहीं भाई जिसको ये नहीं आया फिर तो बड़ी दुख की बात है, इस पे तो कुछ है ही नहीं। अरे पढ़ लो भाई। व्हाट इज द वर्क फंक्शन? डब्ल्यू नॉट की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर। अब आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो एक बात बताइए, एक एक घंटा 10-15 मिनट का क्लास होता है, 5 मिनट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटा 13-14 मिनट मिलते हैं, उसमें से थोड़ा मीटिंग ऊपर नीचे इधर उधर घुमाने जाने पे 3-4 मिनट और 1 घंटा 4-5 मिनट का वो क्लास बचा रहता है सेपरेट प्योर। अब उसमें से अगर मैं 4 क्वेश्चन आपको दूंगा तो आप लोग जो है पर क्वेश्चन पे 10 मिनट लगाते हैं, ये तो आपका रेशियो है। तो फिर उसके बाद आपको अगर मैं क्वेश्चन घर पे नहीं करोगे और मैं यहाँ पे क्लास में कर रहा हूँ तो सिलेबस कब पढ़ाऊंगा? सिलेबस तो नहीं हो पाएगा ना, ऐसे कैसे चलेगा भाई? The work function of the metal if the light of wavelength 4000 angstrom है। So guys, lambda की value आपको मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि स्पेस बहुत खाता है, ज्यादा जूम करने का मतलब है कि स्पेस बहुत लेता हो, लिखने का जगह नहीं होता है। तो वेवलेंथ दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो 4×10⁻¹ मीटर में ये वैल्यू आ जाए। 10 होगा ना सर? अरे 4000 को 4 लिख लिया ना मैंने, कितना बेवकूफ लड़का है यार। जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी, सो वेलोसिटी आपको दे रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो आपको दे रहा है, जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी 6×velocity ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻¹ कितना है? 5 है ये ना? Yes. पर से
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट की थ्योरी भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ सर, कुछ भी नहीं होगा जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने, वर्क फंक्शन, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो ये बताया था क्या मैंने, फंक्शन करना है काइनेटिक एनर्जी, पहले देखो एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोला था, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रे बालको, E प्लस काइनेटिक एनर्जी, E माइनस, माइनस होगा ना सर, माइनस होगा, E माइनस होगा सर, E माइनस hc अपॉन लैम्डा, इससे इसको कैलकुलेट करो और काइनेटिक एनर्जी को इससे करो 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर, वेलोसिटी भी दी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है। अब ये लड़की क्यों कह रही थी कि ये नहीं हो पाया, क्या फॉर्मूला लग रहा है बताओ, इसमें क्या लग रहा है, आयुषी प्रजापति क्यों नहीं किया आपने ये सर, किया है और आंसर 2.1 आ रहा है, करो इसको, जो लोग अभी नहीं, जो लोग नहीं किए हुए घर पे जल्दी करो इसको, आंसर ये जूल, आंसर जूल में आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हैं ना आप लोग, और सर आप लोग 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 90 सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, समझ रहे हैं जल्दी करो, घर पे कर लेंगे क्या, अरे ये चैप्टर ऐसे नहीं चलेगा, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, मोल कंसेप्ट में भी आपने बढ़िया से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, क्योंकि मोल कंसेप्ट में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल होते हैं, वहां तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे, लेकिन आप लोगों को ने उसको सही से किया ही नहीं, आपको लगा जितना टीचर्स कराएंगे उसी में काम चल जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई, तुमसे ज्यादा तो जो है ट्वेल्थ वाले बच्चे पढ़ते हैं, वो तो काफी अच्छे से कर लेते हैं, तुम तो जो है इतना भी नहीं कर पा रहे हो, हो गया अपने yes, घर में करना, घर yes, में करना, घर में करना, yes, sir. समय 2.1 आ रहा है आंसर, समय को देखते हुए घर में करना, यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा मैं, और कौन सा था, ये जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब है ना, एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे नहीं करवा रहा हूं लेकिन आना चाहिए आप, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है 1/T होता है ना, तो टाइम टेकन निकालना है तो टी इक्वल टू आपका 1/B आ जाएगा, बी बार हाँ, तो एक्चुअली होता क्या है ना, टाइम इज इक्वल टू 1/ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ऐसा है, शुभम मोदी ये बंद कर रहे इसको, वीडियो बंद कर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा, समझे क्या, टी इज इक्वल टू 1/ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, समझे, इसका आंसर आ जाना चाहिए, घर पे सब लोग सॉल्व करना सर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में मैं कौन सी वैल्यू रखनी है, अरे जो फॉर्मूला करवाया है अभी वही तो रखेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का, हाँ जी सर, आपने 53 नंबर वाला होमवर्क में दिया था, अब आप बोले होमवर्क दिया था, कुछ बच्चे बोले कुछ बोले, अब ऐसा तो नहीं मैंने कुछ बच्चों को स्पेशली फोन करके बोला होगा ये करना और कुछ बच्चों को बोला होगा ये नहीं करना, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, आप खुद ही बताओ,
सबको तो एक जैसा किया होगा ना मैंने, सबको तो एक जैसा किया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है बताइए। आप खुद ही सोचिए कि बच्चों मैं कैसे कर सकता हूं ऐसा काम कि कुछ ही बच्चों को होमवर्क दूं और कुछ बच्चों को नहीं दूं, ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है ना, चलो वेरी गुड सर। इसमें अच्छा इस बुक के बेसिकली जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है ना करीब करीब कंप्लीट हो ही गया है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो तुम। इसको करो तो जरा, थ्री एनर्जी लेवल आपको दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है सर E1 E2 एंड E3 वेवलेंथ आपको λ1 λ2 λ3 दिया गया है, तो आपसे ये कह रहा है कि λ3 की वैल्यू को निकालो। निकालो रे बच्चों, कैसे निकालें क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने, करो तो जरा कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है सर? दूसरे सम्स दिए हुए ये किसके सम्स है सर? ये कौन सा रिलेशनशिप सही है इनमें से, ऊपर वाले क्वेश्चन के बेस पे बताना है। नहीं समझे अभी भी? बच्चों नहीं समझे क्या? हाँ या ना तो बोलो। अरे सुनो सुनो, समझ गए सर। सुनो यार, क्या बहुत छोटी सी सुनो, मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ सर। वन टू तीन एनर्जी लेवल दिए हुए हैं और इनमें से ये आपका E3 है, ये सर E2 है और ये सर E1 है। यहां से यहां तक इसको है λ1, यहां से यहां तक इसको बोलते हैं λ2,
हर सी ऑप्शन आएगा। मकसद ये है, सुनो सुनो क्या रिलेशनशिप है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये लैम्डा वन और लैम्डा टू को अगर आप मिलाएंगे तो पूरा लैम्डा थ्री आ रहा नहीं आ रहा है। लैम्डा थ्री आप लैम्डा वन प्लस दोनों। सर ये तो एनर्जी के टर्म दिया है, तो एनर्जी इजिकल टू ई वन इजिकल टू क्या होगा, वन अपॉन लैम्डा वन। तो अगर आप ई थ्री बोलोगे तो ई थ्री इजिकल टू ई वन प्लस ई टू होगा नहीं होगा। तो ई थ्री इजिकल टू वन अपॉन लैम्डा थ्री इजिकल टू वन अपॉन लैम्डा टू प्लस वन अपॉन लैम्डा वन। लैम्डा वन होगा ना सर, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू है ना सर। वन अपॉन लैम्डा थ्री इजिकल टू लैम्डा टू प्लस लैम्डा वन डिवाइडेड बाय लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू होगा नहीं होगा। तो सर लैम्डा थ्री इजिकल टू ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यस सर, सी। इतना समय क्यों लग रहा है, क्यों इतना समय? ऑप्शन सी, सी कितना आसान या तो हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था यार ये, इतना समय क्यों लग रहा है मुझे वही समझ में नहीं आया। आज अब तो इस समय में तो आपका ऐसा हो जाना चाहिए कि बहुत तेज बहुत फास्ट। यस अच्छा ये भी आप कर सकते हैं अपने घर में, कोशिश कर ये आप कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है क्लास में। yes, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में करवा दिया है। अरे सुन रहे हो क्या? यस यस कर लोगे हाँ या ना तो बोलो। ट्राई करेंगे सर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा रे, जरा बताओगे क्या? लॉजिक लगाने वाला है, आंसर की भी नीचे दी हुई है, जो ऐसे बोलेगा मैं उसको लॉजिक पूछूंगा। जल्दी करो, इलेवन वाला सर। ये इलेवन, हाँ इसको करो तब तक है मैं दो मिनट में आ रहा हूं। जो आंसर बोलेगा मैं उसको लॉजिक भी पूछूंगा, सोच लो आप। No, she's Chloe. And my name's Chloe. Kaka. Marco. Riley, Gandalf, King, Kathleen, Chloe. सर हो गया क्या?
यस सर कंप्लीट सर कौन सा आंसर है बेटा द डी आएगा क्योंकि हमको पता है ई इक्वल्स एच से अपॉन लैम्डा होता है तो एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा तो ऑप्शन में एम4 ट्विन बनाएगा वेरी गुड शेर मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहा है बच्चों ई इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा सर जिसका एनर्जी ज्यादा होगा ना उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी उसकी वेवलेंथ सर कम हो जाएगी सर हो जाएगी सर एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता रहे 13.6 इनटू हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एक्चुअली हम लोग ऐसे बोलते हैं देखिए के बोलते हैं के भी बोल दो इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं यस सर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर सर जिसका एन जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी तो आप देखिए इधर देखो बच्चों तो आप देख रहे हैं इस वाले में इसमें आप देख रहे हैं सर यहाँ पे जो है N2 से N1 है N3 से N1 है ये भी ग्राउंड स्टेट में जा रहा है ये वाला इस स्टेट में जा रहा है तो बेसिकली सर ये N2 से N1 वाला जो ट्रांजिशन है ना सर इसकी एनर्जी ठीक है ना इसकी जो एनर्जी है ना बच्चों ये थोड़ा सा हमको क्या कर रहा है दिक्कत कर रहा है मतलब थोड़ा ज्यादा है अब आप बोलेंगे सर N2 का रूल क्या होगा सर यहाँ पे बच्चों ये N2 का रूल भी मैं आपको एक बात बताता हूँ ये लेबल है N इजिकल टू 1, 2, 3, 4 अब D वाले का जो ट्रांजिशन है ना वो ये वाला है ऑप्शन नंबर D का ट्रांजिशन ये और इसका ट्रांजिशन आप लोग एक बात बताओ एनर्जी गैप ज्यादा इसमें है या इसमें फर्स्ट वाले में तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी या नहीं होगी एनर्जी ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी सर जब एनर्जी कम हो इसकी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ इसी की कम होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अरे समझा या नहीं समझा बोलो Yes. तो बच्चों सर एक बार वापस से समझाओ ना ओफो कहाँ रहती हो आप सुनो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कहाँ से समझाना पर्टिकुलरली आप ये बताओगी क्या सर आपने एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर लिखा है वहां तक समझ में आ गया अब देखो अब ये दो सी और डी में N4 टू N2 और N4 टू N1 का ट्रांजिशन है ना नहीं है तो देखो ये सर ये तो ये वाला ट्रांजिशन मैंने N4 टू N1 का दिखा रखा है और ये सर N4 टू N2 का दिखा रखा है तो ज्यादा एनर्जी गैप किस में इस वाले में है या इसमें है इसमें है ना एनर्जी गैप समझ रही हो ऋतु हाँ सर सर जब एनर्जी गैप इसमें ज्यादा है ना तो आप बोलेंगे N4 से N1 का जो ट्रांजिशन होगा ना यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आया समझ में आया सर मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम वेवलेंथ पूछे हाँ तो ये सबसे ज्यादा आपका क्या हो गया सुनो यार ये सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें होगी तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी आया समझ में हाँ सर तो फिर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी मैक्सिमम वेवलेंथ ए ए में ऑप्शन नहीं होगा ना सर यस N2 to N1 कैसे सर होगा एक बार समझो गैप कम है ना एनर्जी का नहीं समझा भाई सर हमें कंपेयर किसके साथ करना है सबके साथ कर लेना तो सबसे कम गैप इसी में तो है ओके सर सबके साथ कर ले गैप तो सबसे कम इसी और कोई बात बच्चों और किसी को कोई बात कहनी है क्या नो सर नो सर
तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आपको आज का लेक्चर बढ़िया से समझ में आया होगा। किसी को और कोई डाउट है तो बोलो। नो सर, मुझे नो सर। किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। नो सर। किसी को कोई भी बात बोलनी है तो बोलो, मैं इसके बाद लेक्चर को एंड कर दूंगा। जो भी बच्चा जो भी बात करना चाहता है बोल सकता है। बोलो बच्चों, बोलो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना बेटा? बाय सर। ओके okay.